हेलो ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू टू दिस सेशन ऑफ टैक्स फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 24 एग्जाम्स एंड ऑफ कोर्स नवंबर 24 एग्जाम्स। सो ऑफ कोर्स 2024 कैलेंडर ईयर में जो एग्जाम्स है उसके लिए सेशंस बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। तो आई होप गाइज आपको कल का सेशन एकदम क्लियरली समझ में आया। यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। Yes, sir. Now, just quickly take a recap. Recap लेते हैं फटाफट। GST क्या है? हमने basically start किया GST. तो GST क्या है? एक indirect tax है. Yes, GST is an indirect tax. It is a destination based, consumption based tax. Agreed? वो destination based है, वो consumption based है। और उसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं क्योंकि इवेंचुअली बर्डन पास ऑन हो जाता है। बर्डन किसके ऊपर पास ऑन हो जाता है? बर्डन इज पास्ड ऑन टू द एंड कंज्यूमर। बट उसको गवर्नमेंट को कौन पे करता है? हु पेस टू द गवर्नमेंट? सप्लायर पेस टू द गवर्नमेंट, इसलिए वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड, इनडायरेक्ट टैक्स। डू यू ऑल एग्री विथ मी? यहां तक सबको समझ में आया? क्या कल का वो टिपिकल डायग्राम याद है? टिपिकल चेन याद है सबको? यस। क्या टिपिकल चेन थी? कहां से गुड सर्विस स्टार्ट होती है? सर्विस का देखते हैं बाद में, बट गुड्स कहां से स्टार्ट होते हैं? मैन्युफैक्चरर के प्लेस से स्टार्ट होते हैं एंड दे रीच द एंड कंज्यूमर। यस, दे स्टार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स प्लेस and they reach to the end consumer, and how is GST charged in each case, we have understood that. तो आपको एक बहुत भारी भक्कम important concept समझ में आ गई, वो है input tax credit की concept. Yes guys, so is it clear to all of you this typical chain? And क्या ये भी clear है GST follows a dual model? Dual model मतलब आधा जीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा जीएसटी जाता है उस गवर्नमेंट को जहां पे कंजम्पशन हुआ है। यस सर। तो जीएसटी फॉलोस ड्यूअल मॉडल। ओके, तो आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया था छोटा सा। डिड यू डू दैट असाइनमेंट? आई हैड गिवन यू वन स्मॉल असाइनमेंट, हैव यू कंप्लीटेड दैट? प्लीज लेट मी नो। वो असाइनमेंट ये था कि आपको होटल का बिल लेना था। यस, आपको जाके होटल का मतलब होटल में कुछ खाना खाना था। यस, बिल लेना था, उस बिल में ऑब्जर्व करना था कौन कौन सा जीएसटी आया है, जीएसटी आया है कि नहीं। तो आपने गाइस ऑब्जर्व किया कि नहीं? यस। सो जब मैं डिस्कस करता हूं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आज थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं गाइस। ओके, आपके असाइनमेंट जो दी थी आपको छोटी सी असाइनमेंट, उसकी भी बात करते हैं। ओके, बट मैं जब बोलता हूं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो डू यू नो ये इंट्रोड्यूस कब हुआ इंडिया में? डू यू नो व्हेन दिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स was introduced in India? This goods and services tax was introduced in India, or you can say it became applicable in India with effect from 1st July 2017. Yes, to be precise, from 1st July 2017. वहां से जीएसटी अप्लाई हुआ इंडिया में। ओके, बट गाइस व्हाट बिफोर जीएसटी, क्या प्री जीएसटी टैक्सेस नहीं थे? जब थोड़ी इस हिस्ट्री को समझेंगे ना तो और मजा आएगा जीएसटी देखने में। तो क्या प्री जीएसटी टैक्सेस नहीं थे? ऑफ कोर्स प्री जीएसटी टैक्सेस एग्जिस्टेड। प्री जीएसटी कौन कौन से टैक्सेस थे? ओके, प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से एग्जिस्ट करते
इंडिया में। तो यस देयर वॉज गाइस वैट। यस वेरी गुड। दिस वैट स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडेड टैक्स। यस सर देयर वॉज वैट। वी नो देयर वॉज समथिंग कॉल्ड एज एक्साइज। एक्सरसाइज नहीं, एक्साइज। यस सर्विस टैक्स। देयर वॉज वहां पे होता था मल्टीपल एंट्री टैक्सेस लाइक ऑक्ट्राय। सो लाइक एंट्री टैक्सेस। देन गाइज डू यू नो दैट देयर वॉज लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स होता था और एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स ओके। एंड आई एम गोइंग टू राइट योर फेवरेट वर्ड एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत टैक्सेस थे। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लिस्ट ओके। दीज आर फ्यू टैक्सेस। ये कुछ टैक्सेस है जो एग्जिस्ट होते थे। डिड यू गेट द पॉइंट गाइस। अब पॉइंट ये है कि वैट सेल्स पे था। वैट वॉज ऑन सेल्स। तो सेल्स ऑफ वॉट गुड्स। एक्साइज वॉज ऑन मैन्युफैक्चर। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? प्री जीएसटी। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री जीएसटी। एक्साइज वॉज ऑन मैन्युफैक्चर। सर्विस टैक्स ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेस। एंट्री टैक्सेस लाइक ऑक्ट्राय एक्सेट्रा। देन लग्जरी टैक्सेस ऑन एकोमोडेशन इन होटेल्स। देन एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन मूवी टिकट्स। तो इससे बहुत टैक्सेस होते थे ओके। सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट यू वुड हैव इंट्रोडक्शन टू दीज मेनी टैक्सेस इन योर सिलेबस। मैं बात कर रहा हूँ प्री जीएसटी। गॉट इट? अब एक समझ लो कि ये जो वैट था वो जाता था स्टेट गवर्नमेंट को। एक्साइज मोस्टली जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट। एंट्री टैक्सेस लोकल गवर्नमेंट। लग्जरी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट। मूवी टिकट्स पे जो एंटरटेनमेंट टैक्स था स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कुछ टैक्सेस स्टेट का रेवेन्यू बने, कुछ टैक्सेस सेंटर का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड हर टैक्स का टैक्सेबल इवेंट कुछ अलग ही होता था। टैक्सेबल इवेंट कुछ अलग ही होता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? यस और नो? यस और नो? तो वन फाइन डे ओके ऑल दीज टैक्सेस आई वोंट से वेर एबॉलिश्ड और आर एबॉलिश्ड बट आई वुड से कि ये सब टैक्सेस मर्ज हो गए। क्या हो गए? मर्ज हो गए। उस मर्ज को नाम क्या दिया है? टेक्निकली सबस्यूम। क्या बोला मैंने? दीज टैक्सेस वे सबस्यूम्ड। तो दीज टैक्सेस वे सबस्यूम्ड इन अ सिंगल टैक्स। दैट सिंगल टैक्स इज जीएसटी। क्या ये सबको समझ में आ गया? ये सब टैक्सेस सबस्यूम हो गए मतलब मर्ज हो गए एक सिंगल टैक्स में कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या सबको क्लियर है पॉइंट? इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? यस सर। तो दे गॉट सबस्यूम्ड इन अ सिंगल टैक्स कॉल्ड एज जीएसटी। बट वाई? क्यों ऐसा हुआ? क्यों? व्हाट वाज द नीड? तो आप अनुमान लगा सकते हो। कैन यू टेल मी इसकी नीड क्या होगी? तो गाइस
इसकी नीड क्या होगी? यूनिफॉर्म प्रोसीजर, वी वांटेड यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स, इजंट इट? नीड फॉर हैविंग जीएसटी, कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी नीड फॉर हैविंग जीएसटी? और यू कैन से बेनिफिट्स, और यू कैन से बेनिफिट्स ऑफ हैविंग जीएसटी। क्यों ऐसे लगा होगा कि जीएसटी चाहिए, ये सब टैक्सेस नहीं चाहिए, एक ही टैक्स चाहिए जीएसटी, ऐसा क्यों लगा होगा? ओके, यस, यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स एकदम सही है, यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स होनी चाहिए। तो अब जब प्री जीएसटी है ना, प्री जीएसटी देयर आर नो यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स, क्योंकि हर एक टैक्स में अलग अलग प्रोसीजर, राइट? सो यस, यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स, यस, सो यूनिफॉर्म प्रोसीजर होगी तो ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एब्सोल्युटली करेक्ट नवीन। और क्या चीज हो सकती है गाइज एंड गर्ल्स? यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स ऑफ टैक्स, एकदम डेंजरस प्रॉब्लम, एकदम डेंजरस प्रॉब्लम। ओके, देखो, पे अटेंशन सिस्टमैटिकली, मैं डिस्कस कर रहा हूं प्री जीएसटी क्या होता होगा। आई एम डिस्कसिंग, आई एम टेलिंग यू, गिविंग यू अ व्यू ऑफ व्हाट वुड बी हैपनिंग बिफोर जीएसटी। ओके, जीएसटी आने से पहले क्या होता होगा, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट। ओके, अब सपोज मैं महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं और मैं कर्नाटका स्टेट की बात करूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं ये दो स्टेट्स, महाराष्ट्र कर्नाटका। ओके, एंड आई एम डिस्कसिंग प्री जीएसटी, बिफोर जीएसटी केम इनटू एग्जिस्टेंस क्या होता होगा। फूड, आपने खाना खाया होटल में, मैकडोनाल्ड्स में, कहां पे आपने खाना खाया? मैकडोनाल्ड्स, बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड वंडरफुल चेन, उनका फूड में बहुत स्टैंडर्डाइजेशन है। बट देखो, अनफॉर्चुनेटली फूड में स्टैंडर्डाइजेशन है बट प्राइस में स्टैंडर्डाइजेशन वो नहीं कर सके प्री जीएसटी। क्यों? देखो, फूड खाया जो भी है, बर्गर होगा, जो भी होगा, 100 रुपीज को ये फूड था, इस पे पहले आता था वैट। क्यों आएगा वैट? वैट आएगा बिकॉज फूड इज कंसिडर्ड एज गुड्स, तो इस पे आएगा वैट। से इस पे वैट, महाराष्ट्र में वैट ऑन फूड वॉज 12.5%, तो 12.5 रुपए आया वैट, गेटिंग द पॉइंट। फिर आया सर्विस टैक्स। सर, सर्विस कैसे हो गई? अरे, मैकडोनाल्ड्स में जाके आपने खाना खाया, मतलब यू आर टेकिंग सर्विस, एम्बियंस यू आर एंजॉइंग, यस, दे आर सर्विंग यू, सो सर्विस टैक्स ऑन दिस यूज्ड टू बी 6%, सो 6, सो गाइस, इज इट 118.50 द कॉस्ट फॉर द एंड कंज्यूमर? डू यू एग्री? This is cost to end consumer. Yes or no? क्या आप agree करते हो कि 118.5 is cost for the end consumer? तो आपने प्री जी एस टी महाराष्ट्र में बर्गर खाया, उसकी कॉस्ट आ गई 118.5. Do you guys agree with me? Yes sir. अब आप सेम टाइम पे चले गए कर्नाटका में, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू वेंट टू कर्नाटका। पहले मुझे बोलो, आर यू ऑल विथ मी? यहां तक सबको समझ में आया? यस और नो गाइस? यस सर, फटाफट आंसर्स देते जाओ, मतलब यस नो, बिकॉज आई टोल्ड यू कि यू आर नॉट विजिबल टू मी, तो इंपॉर्टेंट है कि आप जवाब देते जाओ। ओके, सो 100 रुपीज का फूड
बट कर्नाटका में वैट ऑन फूड वॉज 14.5%। बिकॉज वैट देखो क्या है, वैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वैट वॉज अ स्टेट सब्जेक्ट, वैट रेवेन्यू वेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, सो डिफरेंट स्टेट्स कुड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ वैट। अलग अलग स्टेट में वैट अलग अलग परसेंट पे हो सकता था। डू यू एग्री? तो ये 14.5 हो गया वैट। सर्विस टैक्स तो सेंट्रल टैक्स है, तो वो हो गया 6। सो गाइस, सेम क्वालिटी के बर्गर की कॉस्ट कर्नाटका में कितनी हुई? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बर्गर ऑफ सेम क्वालिटी इन कर्नाटका? सो इट इज 120.5। डू यू एग्री? इट इज 120.5। सो प्लीज टेल मी, आप मुझे बेझिझक होके बोलो, कहाँ से आप ये गुड्स परचेस करना चाहोगे? अब 2 रुपए मत देखो, कॉन्सेप्ट देखो, कहाँ पे आपको ये गुड्स सस्ते मिल रहे हैं? वेर आर यू गेटिंग दिस गुड्स चीप? यू आर गेटिंग दिस गुड्स चीप इन महाराष्ट्र। सो वॉट डू यू थिंक, वॉट डू यू थिंक एज अ इंडिया, एज अ इंडिया अपना सिंगल मार्केट है कि मार्केट डिवाइड हो चुका है बिकॉज ऑफ वैट, बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स, बिकॉज ऑफ लग्जरी टैक्स? हमारा मार्केट हो चुका है डिवाइड। आई एम टॉकिंग अबाउट गाइज प्री GST। यस, तो हमें क्या ऐसा चाहिए इंडिया में कि मार्केट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टेट्स? और डू वी वॉन्ट अ सिंगल मार्केट अक्रॉस इंडिया? हमें भेदभाव चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें बिल्कुल भेदभाव नहीं चाहिए। वी डोंट वॉन्ट डिविजन ऑफ इंडिया इन डिफरेंट मार्केट्स। यस और नो? सो यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स ऑफ टैक्स लाने के लिए GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ GST क्या होगा? आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ GST क्या होगा? आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ GST, रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST शैल बी सेम, मतलब यूनिफॉर्म, शैल बी सेम दैट इज यूनिफॉर्म फॉर पर्टिकुलर गुड्स अक्रॉस इंडिया। ये बात समझी कि नहीं? फॉर पर्टिकुलर गुड्स अक्रॉस इंडिया। डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ GST द रेट ऑफ GST शैल बी सेम फॉर पर्टिकुलर गुड्स अक्रॉस इंडिया। उसके वजह से क्या होगा गाइस? देयरफॉर देयर विल बी नाउ वन नेशन, वन नेशन, आपने सुना तो होगा ये, वन टैक्स, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। तो GST की वजह से ये पॉसिबल होगा, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। यस सर, व्हाट अबाउट अदर्स? एक आपको मैं बोल दूं कि चैट विंडो इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो टैक्स फ्री भी है, कोई फी भी नहीं है उस पे, तो आप बेझिझक मुझे रिप्लाई दे सकते हो। यू कैन रिप्लाई टू मी, दिल खोल के रिप्लाई दे दो यार। ओके, सो वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। एंड दोज आर वॉचिंग रिकॉर्डिंग्स, बी फ्री, बी ओपन टू आस्क योर डाउट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ GST, वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। क्या पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस, सो यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स, यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स ऑफ टैक्स। चलो आगे बढ़ते गाइस, लेट्स गो अहेड।
आई कैन सी ओनली नवीन हैज आंसर्ड, व्हाट अबाउट अदर्स? निमित, तमन्ना एंड 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 शुभा। व्हाट अबाउट यू ऑल? ओके चलो, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो, और एक इश्यू था, यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स ऑफ टैक्स समझ में आ गया, यूनिफॉर्म प्रोसीजर समझ में आ गया। एक मेन इश्यू है, ओके, एक मेन इश्यू है सेट ऑफ का, सेट ऑफ और फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, सेट ऑफ और यू कैन से फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट। ओके, यू कैन से सेट ऑफ और फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब क्या सर? देखो, प्री जीएसटी डिस्कस करते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्री जीएसटी। ओके, प्री जीएसटी क्या होता होगा? सपोज आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, आई एम अ कोचिंग क्लास, आई एम रनिंग अ कोचिंग क्लास, तो मैं क्या चार्ज करूंगा? विच टैक्स विल आई चार्ज गाइस? विच विल बी माई टैक्स दैट आई विल चार्ज? सो आई विल चार्ज सर्विस टैक्स। डू यू एग्री? मैं क्या चार्ज करूंगा? सर्विस टैक्स। यस, सो आई विल चार्ज सर्विस टैक्स, और यू कैन से आई विल कलेक्ट सर्विस टैक्स फ्रॉम माई स्टूडेंट्स। यस सर, आई विल कलेक्ट सर्विस टैक्स फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, बट ये सर्विस, कोचिंग की सर्विस देने के लिए मुझे कुछ ना कुछ गुड्स परचेज करने पड़ेंगे। यस और नो? जैसे कि लैपटॉप, प्रोजेक्टर, एज्यूम फेस टू फेस क्लास भी है तो प्रोजेक्टर। यस, सम स्टेशनरी आइटम्स। गाइस मुझे एक बात बोलो, इन चीजों पे मैं क्या पे करूंगा? व्हाट विल आई पे? विच टैक्स विल आई पे ऑन दीज थिंग्स? ऑन दीज थिंग्स आई विल पे वैट। डू यू एग्री? यस, वेरी गुड, आई विल पे वैट। आपको ये समझाना कि मेरा इनपुट टैक्स है, ये मेरा इनपुट टैक्स है। यस एब्सोल्युटली, क्या ये इनपुट टैक्स यूज हो सकता है टू पे सर्विस टैक्स? कैन यू यूज वैट इनपुट टैक्स टू पे सर्विस टैक्स? इन शॉर्ट गाइस, तमन्ना जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सर्विस टैक्स कलेक्टेड है, मतलब ये सर्विस टैक्स किस गवर्नमेंट को जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो मैंने वैट पे किया है इन गुड्स पे, वो वैट कौन से गवर्नमेंट को गया है? स्टेट, इजंट इट? सो कैन आई डू सर्विस टैक्स पेबल और कलेक्टेड माइनस वैट, माइनस वैट ऑन परचेसेस? कैन आई डू दिस? माइनस वैट ऑन परचेसेस इज नेट सर्विस टैक्स पेबल। क्या है पॉसिबल? है, इज इट पॉसिबल टू डू दिस? इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस, इजंट इट? सो फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं था गाइस, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं था। इससे क्या टेंशन होगा? इससे क्या प्रॉब्लम होगा? मैंने लैपटॉप लिया, मैंने लैपटॉप लिया 1 लाख रुपए का, उस पे सपोज वैट था, उस पे वैट था 18,500, 1,18,500 मैंने टोटल अमाउंट स्पेंड किया। गाइज कैन आई टेक सेट ऑफ ऑफ वैट? नो,
बिकॉज आई एम सर्विस प्रोवाइडर, तो मेरे लिए टोटल कॉस्ट बन गई 1,18,500। एग्रीड? मेरे लिए टोटल कॉस्ट बन गई 1,18,500। डू यू एग्री विथ मी? यस और नो? अब ये 1,18,500 जो मेरे लिए कॉस्ट बन गई है, ये मैं किससे रिकवर करूंगा? फ्रॉम हुम विल आई रिकवर दिस कॉस्ट ऑफ 1,18,500? यस गाइस, स्टूडेंट से। वेरी गुड, मतलब फ्रॉम माई एंड कंज्यूमर। वेरी गुड, वंडरफुल आंसर्स। फाइनली सब जो कॉस्ट है वो मुझे कस्टमर से रिकवर करनी है, राइट? तो गाइस क्या होगा, 1,18,500 विल फॉर्म पार्ट ऑफ फीस। यस, एंड इस फीस पे क्या कलेक्ट होगा? इस फी पे कलेक्ट होगा सर्विस टैक्स। इन शॉर्ट देयर विल बी टैक्स ऑन टैक्स। डू यू एग्री? देयर विल बी टैक्स ऑन टैक्स। जो वैट हिस्सा बना है किसका? कॉस्ट का। जो वैट हिस्सा बना है कॉस्ट का, उस वैट पे सर्विस टैक्स लगा है। तो दिस इज टैक्स ऑन टैक्स। इस टैक्स ऑन टैक्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो गाइस कैस्केडिंग इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माय क्वेश्चन टू यू इज सिंपल, कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैस्केडिंग इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सो गाइस अंडर जीएसटी, वेरी गुड, नहीं होना चाहिए, देर शुड बी नो कैस्केडिंग इफेक्ट। सो अंडर जीएसटी क्या होगा? सपोज कोचिंग क्लास परचेसेस लैपटॉप ऑफ 1 लाख, व्हाट विल दे पे ऑन दिस? दे वुड हैव पेड ऑन दिस जीएसटी से 18,000, 1,18,000। दिस 18,000 विल बिकम देयर आईटीसी। दिस 18,000 विल बिकम देयर आईटीसी जो वो यूज करेंगे टू पे आउटपुट टैक्स। याद है ना, ये 18,000 वो यूज करेंगे टू पे द आउटपुट टैक्स। सपोज आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ इज से, आउटपुट टैक्स फॉर द मंथ इज से 54,000। तो अब क्या होगा, नेट जीएसटी पेएबल होगा 54,000 माइनस 18,000, रुपीज 36,000। डू यू गाइज एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी कि 36,000 विल बी नेट जीएसटी पेएबल? मतलब सेट ऑफ का बेनिफिट मिला। यस और नो? सेट ऑफ का बेनिफिट मिला तो क्या होगा? इसलिए मैंने बेनिफिट क्या बोला है जीएसटी में, व्हाट इज द बेनिफिट इन जीएसटी? देयर इज अ बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ, और यू कैन कॉल इट एज फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट। डू यू एग्री विथ मी द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट? इन शॉर्ट क्या होगा, इन शॉर्ट सर्विस प्रोवाइडर विल बी एबल टू क्लेम आईटीसी। सर्विस प्रोवाइडर विल बी एबल टू क्लेम आईटीसी विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी पेड ऑन गुड्स एंड इवन, मतलब वाइस वर्सा,
वाइस वर्सा मतलब ट्रेडर, इवन ट्रेडर विल बी एबल टू क्लेम, इवन ट्रेडर विल बी एबल टू क्लेम ITC विथ रिस्पेक्ट टू GST पेड ऑन सर्विसेस. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? दस क्या होगा? फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट. दस एब्सोल्युटली फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. डिड यू अंडरस्टैंड? फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, नो टैक्स ऑन टैक्स ना. चलो फटाफट बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड सर, वेरी गुड. सो मे आई क्विकली नो बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GST और द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग GST? मे आई नो द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GST और द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग GST? नंबर वन, यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स. नंबर टू, यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स ऑफ टैक्स. यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स ऑफ टैक्स. नंबर थ्री, यस सेट ऑफ और फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट. ओके, एंड नो कैस्केडिंग इफेक्ट. नो कैस्केडिंग इफेक्ट. No cascading effect. Okay, guys, और एक पॉइंट है. देयर इज वन मोर पॉइंट. वेरी गुड, वेरी गुड सुबह, वेल एनालाइज्ड. एक और पॉइंट है. व्हाट इज दैट? सिंगल टैक्सेबल इवेंट. अब वैट में देखोगे तो टैक्सेबल इवेंट था सेल. सर्विस टैक्स में देखोगे तो टैक्सेबल इवेंट था प्रोविजन ऑफ सर्विस. एक्साइज में देखोगे तो टैक्सेबल इवेंट था मैन्युफैक्चर. तो डू यू वांट सो मेनी टैक्सेबल इवेंट्स? यू डोंट वांट सो मेनी टैक्सेबल इवेंट्स, क्योंकि अब एक ही टैक्स है. तो टैक्सेबल इवेंट क्या होगा इन GST? गाइस, कैन यू गेस व्हाट विल बी द टैक्सेबल इवेंट? टैक्सेबल इवेंट मतलब जो इवेंट होने पे GST अप्लाई होगा, वो इवेंट क्या होगा? तो इन GST व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट? थोड़ा गेस करने की कोशिश करो. तो सिंगल टैक्सेबल इवेंट इन GST. वंडरफुल नवीन, एब्सोल्युटली करेक्ट. एक ही टैक्सेबल इवेंट होगा, दैट इज सप्लाई. सिंगल टैक्सेबल इवेंट, दैट इज सप्लाई. जिसके वजह से एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा. देर विल बी ओनली वन टैक्सेबल इवेंट, दैट इज सप्लाई. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द पॉइंट? यस ऑर नो गाइस? सिंगल टैक्सेबल इवेंट विच इज सप्लाई. यस सर, प्लीज हाईलाइट सप्लाई. शैल वी गो अहेड गाइस? शैल वी गो अहेड?
यस सर। अब देखो, सप्लाई, ओके, सप्लाई है टैक्सेबल इवेंट। आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, देर विल बी टू टाइप्स ऑफ सप्लाईज। फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, बिकॉज एज अ डिमांड फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट। अभी शॉर्ट में समझाऊंगा, आप का लगता है कि मिस हो गया है नेटवर्क के इश्यू की वजह से, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो, राइट। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट मीन्स वन हु इज प्रोवाइडिंग सर्विस, करेक्ट, ही इज कलेक्टिंग आउटपुट टैक्स ऑफ जीएसटी, बट वो सर्विस देने के लिए उसने गुड्स परचेज किए होंगे, उस गुड्स पे भी जीएसटी पे किया होगा। तो गुड्स पे जो जीएसटी पे किया है उसका सेट ऑफ मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है फ्रॉम आउटपुट टैक्स, करेक्ट। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हो सकता है हर एक केस में, चाहे आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो या सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो। जो भी आपका इनवर्ड सप्लाई है तो उसके ऊपर जो भी आपने जीएसटी पे किया है, ऑफ दैट यू कैन टेक सेट ऑफ अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स। दिस इज कॉल्ड एज फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, जो अर्लियर टैक्सेस में पॉसिबल नहीं था। इज इट क्लियर टू यू नाउ? आई होप इट इज क्लियर। यस, ओके। अब देखो, सप्लाई में मुझे डिवाइड करना है इन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इन इंटर स्टेट सप्लाई। यस, विच सप्लाईज? इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई, किया क्या डिवाइड? ड्यू डिवाइड इन टू पार्ट्स, सप्लाई जो टैक्सेबल इवेंट है उसको डिवाइड किया बिटवीन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई, ओके। जो आपको असाइनमेंट दिया था मैंने, उसमें आपने ऑब्जर्व किया क्या, रेस्टोरेंट के बिल में कौन सा जीएसटी आया है? तो गाइस, इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में आएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर आप यूनियन टेरिटरी में हैं, अगर आप यूनियन टेरिटरी में हैं, तो आएगा सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, तो आएगा सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दिस, सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी? अगर यूनियन टेरिटरी में है तो सी जी एस टी प्लस यू टी जी एस टी। यस, ओके। ऐसा क्यों? सिंपल, ड्यूएल मॉडल। तो सर, ड्यूएल मॉडल है तो ड्यूएल मॉडल इंटर स्टेट में भी अप्लाई होना चाहिए। यस, होने ही वाला है, लेकिन इंटर स्टेट में कलेक्शन होगा कौन से जीएसटी का? आईजीएसटी का। कौन से जीएसटी का? आईजीएसटी का। यस, आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST stands for Integrated Goods and Services Tax. समझा कि नहीं? Did you get this point? Yes, wonderful question. मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं नवीन, 2 मिनट में।
यस, इंटीग्रेटेड मींस व्हाट? इंटीग्रेटेड मींस कंबाइंड, इंटीग्रेटेड मींस कंबाइंड। ओके, अब दोस्तों ऑफ कोर्स आपको मैं जो बोल रहा हूं वो 5 मिनट के बाद कंप्लीटली समझ में आएगा, बट स्टेप बाय स्टेप समझना है, थोड़ा पेशेंस से समझना है। ओके, गो विथ बिट ऑफ पेशेंस। ओके चलो, तो इंट्रा स्टेट मतलब क्या? इंट्रा स्टेट मतलब क्या? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन सेम स्टेट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा स्टेट। नहीं क्या इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन होती है? इंट्रा कॉलेज मीन्स विद इन द कॉलेज, यस और नो? एंड इंटर स्टेट मीन्स बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स स्लैश यूनियन टेरिटरीज। यहां तक समझा सबको? इंट्रा एंड इंटर यहां तक समझा? अब कैसे डिसाइड होता है इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? ओके, कैसे डिसाइड होता है इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? ओके, इंट्रा स्टेट मतलब क्या? इंट्रा स्टेट मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्या बोला मैंने? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, आर इन सेम स्टेट्स, आर इन सेम स्टेट और यूटी, तो वो होता है इंट्रा स्टेट। चलो मैं इसको LOS बोलू, लोकेशन ऑफ सप्लायर, इसको POS बोलू। अगर वो सेम स्टेट में है तो वो बन गया इंट्रा स्टेट। एंड गाइज नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, वो अलग स्टेट में है तो, वो अलग स्टेट में है तो, इफ दे आर इन डिफरेंट स्टेट देन इट इज इंटर स्टेट। डिड यू गेट द पॉइंट? LOS एंड POS आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स, स्लैश यूटीज, तो उसको क्या बोलेंगे? यस गाइस, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटर स्टेट। डिड यू गेट द पॉइंट? ये ऐसा क्यों, लॉजिक क्या है, ये सब बताना चाहता हूं, बट क्या बेसिक समझ में आया है यहां तक? इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट। इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन टू डिफरेंट स्टेट्स स्लैश यूटीज, देन इट इज इंटर स्टेट। ओके प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझो, फिर लॉजिक के डेप्थ में जाते हैं। ओके, फिर लॉजिक के डेप्थ में जाते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस लेके समझो, फिर लॉजिक के डेप्थ में जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? लोकेशन ऑफ सप्लायर। ओके, मेरा एक कॉलम है लोकेशन ऑफ सप्लायर, मेरा दूसरा कॉलम है प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको मुझे बोलना है व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई, व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई यू हैव टू टेल मी, एंड फाइनली यू विल टेल मी GST चार्जेबल, कौन सा GST चार्ज होगा। एग्रीड? अच्छा एक्सरसाइज है, यस अच्छा एक्सरसाइज है। यू हैव टू टेल मी GST चार्जेबल। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को,
चलो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. सपोज लोकेशन ऑफ सप्लायर इज गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात. सो गाइस व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ सप्लायर इज गुजरात, प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात. सो ऑफकोर्स इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इट विल बी चार्जेबल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. एग्रीड? एग्रीड? यस सर. लोकेशन ऑफ सप्लाई इज वेस्ट बंगाल. लोकेशन ऑफ सप्लाई इज वेस्ट बंगाल. प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र. लोकेशन ऑफ सप्लाई इज वेस्ट बंगाल. प्लेस ऑफ सप्लाई इज महाराष्ट्र. यस इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई. गाइस इट इज एन इंटर स्टेट सप्लाई. इट विल बी चार्जेबल टू आईजीएसटी. यस सर. यहां तक समझ में आया? अब एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली. तो यस ये भी बन जाता है इंटर स्टेट, सॉरी ये भी बन जाता है इंट्रा स्टेट. क्या बन जाता है? इंट्रा स्टेट. ओके इसमें आता है सीजीएसटी प्लस आइडियली आना चाहिए था यूजीएसटी. क्यों आना चाहिए था यूजीएसटी? दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी. बट आप यहां पे एस्ट्रिक दो, मैं आपको समझाता हूं ये कि यहां पे एसजीएसटी क्यों आया है. ओके चंडीगढ़, चंडीगढ़ व्हाट इज चंडीगढ़? चंडीगढ़ क्या है? यस गाइस चंडीगढ़ इज अ यूटी. वेरी गुड. तो अब क्या आएगा? तो इसको भी बोलते हैं इंट्रा स्टेट. अब क्या आएगा? सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी. गेटिंग द पॉइंट? सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी. डिड यू ऑल गेट द पॉइंट गाइस? यस ऑर नो? इंट्रा स्टेट विद इन यूनियन टेरिटरी विल बी चार्जेबल टू इंस्टेड ऑफ एस जी एस टी यू जी एस टी आ जाएगा. चलो और एक एग्जाम्पल देता हूं. दमन एंड ड्यू लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई सेम. दमन एंड ड्यू इज अ यूनियन टेरिटरी. तो क्या चार्ज होगा? अगेन इंट्रा स्टेट. इट विल बी चार्जेबल टू सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी. वेरी गुड. और एक एग्जाम्पल देता हूं, इसमें गलती होने के चांसेस है. पुडुचेरी मतलब पौंडीचेरी. यस अब यहां पे भी स्टार मार्क डालना है आपको. ये भी इंट्रा स्टेट है बट इसमें भी आएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. जैसा स्टार मार्क दिल्ली को डाला है वैसा ही यहां पे भी डालो. सिमिलर स्टार मार्क यू पुट हियर एज वेल. ओके बताता हूं आपको. उसके पहले मुझे ये बोलो क्या होगा कर्नाटका. कर्नाटका इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई इज पुडुचेरी. ये क्या है? ये है इंटर स्टेट. समझते हो? ये है इंटर स्टेट. इस पे क्या चार्ज होगा? इस पे चार्ज होगा आईजीएसटी. एब्सोल्युटली करेक्ट. इस पे चार्ज होगा आईजीएसटी.
डिड यू ऑल गेट द पॉइंट गाइस? यस और नो? अब एक ही चीज समझनी आपको, दिल्ली एंड पुडुचेरी के केस में क्या हुआ। दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव गॉट सेपरेट स्टेट लेजिस्लेचर्स। उनको क्या है, सेपरेट स्टेट लेजिस्लेचर्स। Even though they are UTs, even though they are union territories, समझ में आया कि नहीं? Therefore, SGST shall apply and not UGST. Did you understand? Please let me know. समझा कि नहीं? Absolutely. Wonderful, wonderful. Okay. अब आपके मन में एक सवाल होगा, आपके मन में एक सवाल होगा obviously. Okay. उस सवाल को सॉल्व करके आज का सेशन स्टॉप करते हैं। एक सवाल होगा कि ड्यूअल मॉडल, सर ने बोला ड्यूअल मॉडल है, जीएसटी हैज गॉट अ ड्यूअल मॉडल, यस और नो? तो ये एसजीएसटी किस गवर्नमेंट को गया? ये जो पहले केस में एसजीएसटी था वो कौन से गवर्नमेंट को गया? ऑफ कोर्स गुजरात, एब्सोल्युटली। सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया, ओके। थर्ड एग्जाम्पल में ये एसजीएसटी कौन से गवर्नमेंट को गया? थर्ड एग्जाम्पल में ये एसजीएसटी गया दिल्ली गवर्नमेंट को, यस एब्सोल्युटली। ऑफ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एग्जाम्पल में ये एसजीएसटी कौन से गवर्नमेंट को गया? पुडुचेरी गवर्नमेंट को गया, एग्रीड। बट सवाल ये है, आईजीएसटी किसका रेवेन्यू है? सवाल मेरा बहुत सिंपल है, आईजीएसटी किसका रेवेन्यू है? कैन एनीवन टेल मी आईजीएसटी किसका रेवेन्यू है? हुज रेवेन्यू इज आईजीएसटी? आईजीएसटी किसका रेवेन्यू है? अच्छा, अगर आप बोल रहे आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है तो ड्यूएल मॉडल फॉलो नहीं होगा, यस और नो? तो ड्यूएल मॉडल फॉलो नहीं होगा इफ आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। तो आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है 50%, नो डाउट। बट स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है टू द एक्सटेंट ऑफ 50% वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज। क्या बात समझी आपको? वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज, डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये सेकंड वाला ट्रांजैक्शन क्या था? अपना सेकंड वाला ट्रांजैक्शन, लोकेशन ऑफ सप्लायर वेस्ट बंगाल, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र। तो गाइस, रेवेन्यू किसका है? पहले गया आईजीएसटी, मतलब पहले गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया?
एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू 50% दिया गाइस, बैलेंस 50% कौन से स्टेट गवर्नमेंट को गया? वेरी गुड, बैलेंस 50% वेंट टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। मे आई नो व्हाई महाराष्ट्र? मे आई नो व्हाई महाराष्ट्र? व्हाई महाराष्ट्र? बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन महाराष्ट्र। डिड यू गेट द पॉइंट? अब यहां तक समझा कि नहीं? टेल मी, हम एक पजल है जो सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हैव यू गॉट टिल दिस पॉइंट? प्लीज लेट मी नो। बेझिझक होके बोलिए, बिंदास बोलिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं? आई कैन सी नवीन आंसरिंग। व्हाट अबाउट अदर्स एंड रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट्स? जितना हक लाइव बैच स्टूडेंट्स का डाउट्स पूछने में, उतना ही आपका भी है। आप व्हाट्सएप पे क्वेरीज पूछ सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ते। यस, अब सवाल ये आता है, आपके दिमाग में भी सवाल ये होगा कि व्हाई नॉट डायरेक्टली सीजीएसटी ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सॉरी एसजीएसटी ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट वॉज कलेक्टेड। ये आपके मन में भी सवाल होगा ना कि व्हाई नॉट डायरेक्टली एसजीएसटी ऑफ महाराष्ट्र वॉज कलेक्टेड। मुझे एक बोलो, यहाँ पे सप्लायर कहाँ पे है? ये जो एग्जाम्पल है अपना, इसमें सप्लायर कहाँ पे है? तो सुबह यू आर सेइंग डेस्टिनेशन एंड कंजम्पशन बेस्ड, तो यू आर आस्किंग मी और टेलिंग आई डोंट नो, बट मैं थोड़ा आपको सजेशन दूंगा कि 2 मिनट के लिए ध्यान दो। ओके, फॉर 2 मिनट्स पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू, देन रीफ्रेम योर क्वेश्चन एंड आस्क। ओके वेरी गुड, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज वेस्ट बंगाल, सो लॉजिक ऑफ IGST, लॉजिक ऑफ IGST क्या है? लॉजिक ऑफ IGST क्या है समझो ठीक से। ओके, इन GST रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर इज स्टेट वाइज। रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर कैसे है? रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर इज स्टेट वाइज। डिड यू अंडरस्टैंड? सप्लायर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसा है? स्टेट वाइज। देयरफॉर इन अबव केस। अच्छा, आपने वो इनवॉइस लिया है ना होटल का, उस इनवॉइस पे जीएसटी नंबर है क्या? उस इनवॉइस पे जीएसटी नंबर है? तो जीएसटी नंबर स्टार्ट होगा 2 न्यूमेरिकल्स से। डिड यू ऑब्जर्व दोस 2 न्यूमेरिकल्स? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि क्या न्यूमेरिकल से स्टार्ट हुआ है आपके केस में? आपने सबने बोला कि हमने फूड होटल का बिल लिया है। यस, 07, दिल्ली का 07 है। एग्रीड, तो वो हो गया स्टेट कोड। आई थिंक निर्मित एंड नवीन इज बोथ आर फ्रॉम दिल्ली, तो 07 है दिल्ली का। और किसी ने ऑब्जर्व किया? आपने तमिलनाडु का लिया इनवॉइस? सुबह जी, डिड यू टेक? ओडिशा का लिया आपने तमन्ना? सो यू विल फाइंड डिस्टिंक्ट न्यूमेरिकल्स, दोज आर नथिंग बट स्टेट कोड। तो दिल्ली का स्टेट कोड 7 है, 07, जैसे महाराष्ट्र का 27 है। तो जीएसटी नंबर विल स्टार्ट विद दैट। इन शॉर्ट, मैं क्या प्रूफ करना चाहता हूं? रजिस्ट्रेशन फॉर सप्लायर इज स्टेट वाइज। ओके, देयरफॉर इन अबव केस सप्लायर इज रजिस्टर्ड कहां पे? सप्लायर इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल। नहीं नहीं, कहां पे? यस, सप्लायर इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल। Therefore,
इज एंटाइटल्ड टू कलेक्ट, देयरफॉर ही इज एंटाइटल्ड टू कलेक्ट CGST एंड CGST कॉमा SGST, किसका SGST? ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट्स इट। देयरफॉर ही इज एंटाइटल्ड टू कलेक्ट CGST, SGST ऑफ वेस्ट बंगाल बट नॉट एनी अदर स्टेट्स, वॉट बट नॉट एनी अदर स्टेट्स क्या, बट नॉट एनी अदर स्टेट्स SGST, समझा कि नहीं? देयरफॉर व्हेन प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन WB, WB मतलब वेस्ट बंगाल, इन हिज केस क्या कलेक्ट करेगा वो? ही शैल कलेक्ट, यस ही शैल कलेक्ट IGST। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ये लॉजिक है, ये आपको इजीली स्ट्रेट फॉरवर्ड दूसरे सेशन में कोई नहीं बताएगा, बट आई होप आपको लॉजिक अब क्लियर हो गया है। तो देयरफॉर व्हेन प्लेस ऑफ सप्लाईज अदर देन वेस्ट बंगाल इन दिस केस ही शैल कलेक्ट IGST। वो IGST किसको जाएगा? IGST शैल इनिशियली गो टू विच गवर्नमेंट? IGST शैल इनिशियली गो टू CG, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड एज रेवेन्यू ऑफ, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड एज रेवेन्यू ऑफ CG एंड SG। कौन सा SG? CG एंड SG, कौन सा SG? ऑफ दैट गवर्नमेंट वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई हैज टेकन प्लेस। डिड यू अंडरस्टैंड द होल मॉडल? तो ड्यूअल मॉडल कंटिन्यू होता है कि नहीं? देयरफॉर ड्यूअल मॉडल कंटिन्यूज ऑफ कोर्स। तो बहुत से फाइनल के स्टूडेंट्स को भी लगता है IGST इज रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सही नहीं है। IGST इज रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड दैट स्टेट वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई हैज टेकन प्लेस। डिड यू अंडरस्टैंड? यस और नो गाइस? यस और नो? वंडरफुल। अब देखो लॉजिक लगाओ, कहीं पे भी लॉजिक लगाओ, जहां जहां पे IGST लॉजिक लगाओ। ये देखो, ये सेवेंथ केस में, सेवेंथ केस में मैं रजिस्टर्ड कहां पे हूं? कर्नाटका। लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब एज अ सप्लायर मैंने कहां पे रजिस्ट्रेशन लिया है? कर्नाटका। बट आधा टैक्स किस गवर्नमेंट को जाना चाहिए? पुडुचेरी। क्यों पुडुचेरी? बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इज पुडुचेरी। बट कैन सप्लायर इन कर्नाटका कलेक्ट पुडुचेरीज SGST? नॉट पॉसिबल। सो व्हाट ही विल कलेक्ट? ही विल कलेक्ट IGST, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल बाइफर्केट इट बिटवीन सेंट्रल रेवेन्यू एंड पुडुचेरी स्टेट रेवेन्यू। यस, वंडरफुल वंडरफुल। आई होप गाइस सबको लॉजिक एब्सोल्युटली क्लियर हो गया, क्योंकि इस लॉजिक के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी नया ज्वाइन करना चाहता हो तो उसको पहले दो लेक्चर्स देख के ही थर्ड लेक्चर को आना चाहिए। ओके, हमने कल का सेशन भी आपको यूट्यूब पे दिया है, आज का भी यूट्यूब पे देने वाले हैं,
किसी और आपके दोस्त को ज्वाइन करना है तो सजेस्ट देम टू वॉच फर्स्ट टू सेशंस, देन ओनली अटेंड द थर्ड वन. इज इट क्लियर गाइस? चलो, अब कल जैसे रिवीजन की थी वैसे ही आज फटाफट रिवाइज करते हैं. आर यू ऑल सेट फॉर द रिवीजन? क्या रिवीजन कर सकते हैं? शैल वी गो एंड रिवाइज? यस सर, लेट्स गो अहेड एंड डू द रिवीजन पार्ट. क्वेश्चन नंबर वन, टेल मी एनी फोर फीचर्स ऑफ जीएसटी. टेल मी एनी फोर फीचर्स ऑफ जीएसटी. इनडायरेक्ट टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड. यस, और एक फीचर बताओ. जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड एंड इट फॉलोज डैश मॉडल. इट फॉलोज ड्यूअल मॉडल. यस. देन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? वॉट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? तो टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई. ओके, सप्लाई ऑफ वॉट? सप्लाई ऑफ वॉट विल अट्रैक्ट जीएसटी? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑर सर्विसेस. इजंट इट? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑर सर्विसेस विल अट्रैक्ट जीएसटी. वंडरफुल, वंडरफुल. कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए हैं जीएसटी में? विच ऑल टैक्सेस हैव बीन सब्स्यूम्ड इन जीएसटी? गिव मी फ्यू एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल्स है वैट, सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड वेरियस एंट्री टैक्सेस. ये सब्स्यूम हो गए जीएसटी में. वंडरफुल. स्टेट एनी फोर एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, या फिर फोर पॉइंट्स बिकॉज ऑफ विच देर वॉज अ नीड टू हैव जीएसटी. ओके, जीएसटी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो इंट्रोड्यूस हुआ, वो इंट्रोड्यूस करने की नीड क्या थी? तो यूनिफॉर्मिटी, फॉर यूनिफॉर्मिटी इन प्रोसीजर्स, फॉर यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स ऑफ टैक्स, सो दैट देर विल बी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, फॉर फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट और सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट. इजेंट इट? यस, फंटास्टिक. टू मिनिमाइज और टू इरेडिकेट द कैस्केडिंग इफेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. यस. सो माय लास्ट टू क्वेश्चंस टू यू इज ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई देयर शैल बी डैश. इंट्रास्टेट सप्लाई पे कौन सा जीएसटी आता है? ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई देर इज अ चार्ज ऑफ सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी. बट अगर इंट्रास्टेट सप्लाई यूनियन टेरिटरीज में हो तो, इफ इंट्रास्टेट सप्लाई इज इन यूनियन टेरिटरीज, देन देर इज अ चार्ज ऑफ सी जीएसटी प्लस यू जीएसटी. वॉट आर द टू एक्सेप्शंस? दो एक्सेप्शंस क्या है यूनियन टेरिटरीज के, जहां पे यू जीएसटी नहीं होगा बट एस जीएसटी होगा. तो टू एक्सेप्शंस आर दिल्ली एंड पुडुचेरी. तो दिल्ली एंड पुडुचेरी में क्या होगा? सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी. एंड गाइज, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू टूडे, ऑन इंटर स्टेट सप्लाई देर शैल बी चार्ज ऑफ डैश. ऑन इंटर स्टेट सप्लाई देर शैल बी चार्ज ऑफ, यस, ऑन इंटरस्टेट सप्लाई देर शैल बी चार्ज ऑफ सी जी एस टी नहीं, देर शैल बी डिरेक्टली चार्ज ऑफ आई जी एस टी. यस. एंड फाइनली, ये जो आई जी एस टी है वो आधा रेवेन्यू हो जाएगा सेंटर का और आधा रेवेन्यू उस स्टेट का जहां पे कंजम्पशन हुआ है. डिड यू ऑल गेट द पॉइंट? यस, एब्सोल्युटली. सो बेसिकली इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. क्या फैक्टर्स है वो? वो फैक्टर्स है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सेम स्टेट,
देयर शैल बी चार्ज ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एंड इफ लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन डिफरेंट स्टेट देयर शैल बी चार्ज ऑफ आईजीएसटी। सो आई होप गाइस इन दो सेशंस में आपको जीएसटी का यस क्रक्स नॉलेज मिला है। यस सो नाउ आई विल मीट यू टुमारो, हम सब कल मिलेंगे विथ फर्दर सेशन ऑफ जीएसटी जिसमें डिस्कस करेंगे बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ। मतलब ठीक है जीएसटी लॉ देखना है बट जीएसटी लॉ का सोर्स क्या है ओके वो देखेंगे एग्जैक्टली एंड हमारे सिलेबस में हमें किस एक्सटेंट तक जाना है, किस डेप्थ में जीएसटी पढ़ना है वो देखेंगे कल के सेशन में। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय बाय।